प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर रामनगरी में हर तरफ आनंद ही आनंद है। मंदिर परिसर से लेकर पूरी अयोध्या सज सवज रही है। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं। जी हां, और इसको लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से अयोध्या प्रशासन के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की। इस समीक्षा बैठक के लिए सीएम योगी को आज अयोध्या पहुंचना था, लेकिन कोहरे की वजह से उनका हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया। भव्य रेलवे स्टेशन, आधुनिक एयरपोर्ट, वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ नई अयोध्या 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने को तैयार है। शहर की गलियां हो, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, हर जगह राम संस्कृति की झलक दिखाई देगी। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से पहले अयोध्या प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी के लिए तैयार हो रही है। रामनगरी नए साल पर नई चमक बिखेरने के लिए सज रही है। देखिए, जन्मभूमि पथ का निरीक्षण किया गया है और कैनेपी का काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 30 तारीख को विभिन्न प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया जाएगा, उसमें से ये कॉरिडोर भी सम्मिलित है। आपको सूची अलग से दे देंगे। लगभग 11,000 करोड़ के टोटल प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेशन और लोकार्पण और शिलान्यास के लिए लिए गए हैं। प्रशासन मुस्तैद है, तैयारियां मुकम्मल है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आला अधिकारियों के संपर्क में हैं और लगातार तैयारियों का अपडेट ले रहे हैं और कल खुद जायजा लेने के लिए अयोध्या भी पहुंचेंगे। जाहिर है, नए साल पर अयोध्या नई रोशनी से सराबोर दिखेगी। त्रेतायुग की झलक भी यहां दिखाई देगी। राम संस्कृति के वैभव को दर्शाने की तैयारी है। काशी विश्वनाथ धाम और महाकाल लोक के बाद अब धर्म, आस्था और पर्यटन का नया केंद्र बनने की अयोध्या की बारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।